स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात कर लेते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। क्या ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स? इसमें मेनली जो हमारे ऑयल्स आते हैं, फ्यूल ऑयल या फिर मिनरल ऑयल्स होते हैं, कोल इज कोयला, एंड जो भी नेचुरल गैसेस, वो सभी कहाँ आते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा सॉल्ट, मीन्स नमक और कंकड़ जिसको बोल सकते हैं या फिर गिट्टी बोलते हैं, वो भी हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर ही आते हैं। सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक मिनरल्स में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला है आपका कोल। आज हम पहले बात कर लेंगे कोल के बारे में। कोल मीन्स कोयला। ये क्या है? एक फ्यूल है, ईंधन का काम करता है। बहुत जगह पे इसका कुकिंग में या प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, रनिंग इंजन्स और फैक्ट्रीज को, इंजन्स को चलाने के लिए उसमें ईंधन का काम करता है। ये हमारा कोल है। ओके, और कहा कोल माइनिंग एरिया का झारखंड, बस्तर और मध्य प्रदेश में कोल माइनिंग की जाती है। तो जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या करके निकाल जाते हैं, माइनिंग करके निकाल जाते हैं, डिगिंग करके निकाल जाते हैं। तो ये कोल माइनिंग जो इंडिया है, जहाँ पे ये मिलता है, झारखंड, बस्तर और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में। ओके, कोल माइन रानीगंज माइन्स जो है, इसके कोल माइन्स जो है वहाँ पे है, रानीगंज, अरिया, धनबाद, कोरबा, नेवेली, बोकारो एंड करम, यहाँ पे कोल माइंस आपको मिल जाएंगे। इट इज यूज इन मेनली केमिकल्स, ड्रग्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसका यूज ईंधन के अलावा कहाँ किया जाता है? तो केमिकल्स को बनाने में, ड्रग्स को बनाने में, दवाइयों को बनाने में, प्लास्टिक्स को बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में और कॉस्मेटिक्स चीजों को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। कोल को हम क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड ऑफ इंडिया, डायमंड ऑफ इंडिया, ब्लैक डायमंड ऑफ इंडिया। कोयले को हम क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड कहते हैं। इंडिया का डायमंड कौन सा डायमंड? ब्लैक डायमंड, क्योंकि ये हमारे लिए एक डायमंड की तरह ही बहुत प्राइसलेस है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, हर क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, बहुत कम, मतलब कह सकते हैं कि कम पैसे में हम इसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कम में ही अपनी जरूरत से जरूरत का काम कर लेते हैं। अगर देखा जाए गैस का या फिर पेट्रोलियम ऑयल का, मिनरल ऑयल्स का, तो उसके मुताबिक हम मुकाबला करते हैं। हमारा क्या होता है? कम पड़ता है और बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इसका यूज करते हैं, इसलिए ब्लड डायमंड ऑफ इंडिया का होता है। इसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देशों में इसको बेचते भी हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में, तब तक इसको स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।